अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद एहसन अली और वेलकम है आपका एहसन एक्सपर्टीज चैनल पे। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम एक पीएचपी बेस्ड या फिर एचटीएमएल बेस्ड वेबसाइट के अंदर गूगल एडसेंस के एड्स को प्लेस कर सकते हैं। नॉर्मली अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पर है तो ये सब काम इजिली प्लगइन्स के थ्रू हो जाता है। इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, आपको उसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग उस वीडियो को भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जिनकी वेबसाइट पीएचपी बेस्ड है, लारावेल बेस्ड है या फिर आपकी वेबसाइट एक एचटीएमएल बेस्ड है, तो आपको फिर किस तरह से एड्स प्लेस करने हैं या फिर आपको कोई कोड अपनी वेबसाइट के हेडर सेक्शन में प्लेस करना है तो वो किस तरह से करेंगे, तो इस पूरी वीडियो में हम ये सब सीखने वाले हैं। और जो फ्रीलांसर्स टेक्सटाइल डिजाइनिंग से रिलेटेड अपनी सर्विसेज ऑफर करते हैं तो उन लोगों के लिए खुशखबरी है इस वीडियो के एंड में, तो वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा ताकि आप लोग कोई स्टेप मिस ना कर सकें। तो इस वक्त हम मौजूद हैं अपने एक्सेस के अकाउंट में। तो यहाँ पे आप जब एड्स में जाके ओवरव्यू में जाएंगे तो आपको यहाँ पे तीन ऑप्शंस मिलते हैं, एक बाय साइट, बाय एड यूनिट और ग्लोबल सेटिंग्स। बाय साइट में ये होता है कि आपकी जितनी भी वेबसाइट्स इस एडसेंस अकाउंट के साथ अटैच्ड हैं उनको वहां पे ऑप्शन आपको मिलता है कि आप ऑटोमेटिक एड्स ओपन कर सकते हैं, यानी गूगल अपने हिसाब से खुद ही अपनी आपकी वेबसाइट पर एड्स प्लेस करता है, आपको कुछ करने की नीड नहीं होती। सेकेंड नंबर पे आता है बाय एड यूनिट, यानी आप अपने हिसाब से कोई एड यूनिट क्रिएट करके कोड जनरेट कर सकते हैं, जितना आप जैसा आपको एड जिस तरह का आपको एड चाहिए वैसा आप कोड जनरेट करके अपनी वेबसाइट पर प्लेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो एक डिस्प्ले एड्स है, डिस्प्ले एड्स लिखा है, तो ये रिकमेंडेड एड्स होते हैं, फंडेड भी है, ये काफी बेनिफिशियल रहता है आपके लिए। उसके अलावा इन फीड एड्स होते हैं, आर्टिकल एड्स, ये सब भी एड्स आपको मिलते हैं यहाँ पे, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पर डिस्प्ले एड यहाँ पे इसका कोड जनरेट कर चुका हूँ तो यहाँ पे आपको शो हो रहा है। ऐसे आप जब आप कोई कोड क्रिएट कर लेंगे तो आपको पूरी लिस्ट इस तरह से शो हो रही होगी जितने भी आप क्रिएट करते जाएंगे कोड्स को, राइट। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से आप एड यूनिट क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें जाके इसको ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कि आपको कैसा एड चाहिए, स्क्वायर में चाहिए, हॉरिजॉन्टल में चाहिए, वर्टिकल में चाहिए। तो आपको स्क्वायर में आपको इस तरह का डिस्प्ले मिलेगा, हॉरिजॉन्टल में इस तरह का मिलेगा, राइट, और वर्टिकल में इस तरह। तो जो भी आपको अपने हिसाब से एड चाहिए हो तो आप इसको सिलेक्ट करके देना, आपको यहाँ पे नेम देना होगा एड यूनिट का, यानी आप डिस्प्ले दे दें जो भी आप अपने हिसाब से नेम देना चाह रहे हैं वो आप दे दें। उसके बाद यहाँ पे रिस्पॉन्सिव जैसे लिखा है, रिस्पॉन्सिव दो ऑप्शन है, फिक्स और रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव को आप बाद में सिलेक्ट करें, इससे ये होगा कि आपकी वेबसाइट थोड़ी आपका जो एड होगा मोबाइल में भी सही तरीके से ओपन होगा, जिससे आपका रेवेन्यू भी इंक्रीज होगा। उससे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कोड ओपन हो जाएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ वो कोड किस तरह से होगा। तो आप सिंपली जैसे हमारे एड यूनिट है डिस्प्ले एड वाला, इसको हम यहाँ से गेट कोड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पूरा कोड ये ओपन हो जाएगा। तो ये वो कोड है जहां भी आपको अपने एड्स डिस्प्ले करना है, वहां पे आप इस कोड को प्लेस करोगे तो वहां पे आपका एड शो हो जाएगा, राइट। अब एक तो कोड ये हो गया जो कि आपके एडसेंस का कोड हो गया, दूसरा कोड ये है कि जब गूगल आपको कहता है कि अपनी वेबसाइट को आप वेरीफाई करवाओ, इस कोड को अपनी वेबसाइट के हेडर सेक्शन में प्लेस करना है, तो वो ये कोड होता है, तो वो भी आप फिर प्लेस करते हो। वो आपको प्लेस कहाँ करना है मैं आपको भी दिखाता हूँ। तो आप अपनी होस्टिंग के सी पैनल में जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे इस तरह के ऑप्शंस मिलेंगे, तो आपने फिर फाइल मैनेजर जो ऑप्शन है इसको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे आपको काफी फोल्डर्स नजर आ रहे हैं, यहाँ पे एक फोल्डर होगा पब्लिक एचटीएमएल, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा पब्लिक एचटीएमएल फोल्डर वो होता है जितनी भी आपकी वेबसाइट्स की मेन फाइल्स, मेन कोडिंग प्रोग्रामिंग जो कुछ होता है वो आपका इसी फोल्डर में, पब्लिक एचटीएमएल फोल्डर में होता है, ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं पब्लिक एचटीएमएल फोल्डर को। उसके बाद यहाँ पे आपको नजर आएगा रिसोर्सेज का फोल्डर, रिसोर्सेज के फोल्डर को हम ओपन कर लेते हैं। देन यहाँ पे लिखा है व्यूज, व्यूज के फोल्डर को भी हम ओपन कर लेंगे। अब आपको यहाँ पे वो फाइल्स नजर आ रही है जो कि आपकी वेबसाइट के मेन पेजेस हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा अबाउट अस डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी, एड डिटेल्स डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी, ये सब देखें वो पेजेस की प्रोग्रामिंग कोडिंग है, ये वो फाइल्स हैं जो कि आपकी वेबसाइट के पेजेस हैं, सही। हमें देखना है कि हमारी वेबसाइट का जो मेन होम पेज है, जो हमारी मेन प्रोग्रामिंग यानी जहां भी हम यानी उस यानी जिस फाइल के अंदर हम कोड प्लेस करें तो वो हमारी पूरी वेबसाइट के ऊपर वर्क करे, हमारे होम पेज पे वर्क करे, तो वो फाइल कौन सी है, तो वो फाइल होगी हमारी, इस फोल्डर के नीचे आएंगे तो वो फाइल होगी वेलकम डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। आप देख रहे हैं इसकी आपको फाइल साइज से अंदाजा हो रहा है कि इसके ऊपर काफी कोडिंग है। अब अच्छा एक चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ये डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी इसलिए यहां पे लिखा हुआ आ रहा है कि ये लारावेल फ्रेमवर्क पर बनी वेबसाइट है। लारावेल का आपको नहीं पता आप लोग गूगल पर सर्च कर सकते हैं, राइट। तो वेलकम डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी, ब्लेड डॉट पीएचपी ये समझे इस जो भी लारावेल बेस्ड वेबसाइट होंगी उस पर लाजमी ये एक्सटेंशन यूज होगी। अब यहां पर एक चीज और समझने वाली है, वो ये है कि अगर आपको पीएचपी एचटीएमएल की बेसिक नॉलेज भी नहीं है तो आपको ऐसे वर्क नहीं करना है इसके ऊपर, वरना आप कोई नुकसान कर लेंगे अपना।
आपने पहले बेसिक सीखनी है ताकि आप इस पे वर्क कर सकें, और जब आप इस पे यानी कोड वगैरह प्लेस करने की कोशिश करें तो आप लाजमी से जो फाइल, जैसे फॉर एग्जाम्पल वेलकम वाली फाइल है हमारी, ये बहुत मेन फाइल है, इसको आप लेफ्ट क्लिक करके इस पर डाउनलोड लिखकर डाउनलोड जरूर कर लें, यानी इसका बैकअप बना लें कि अगर आप इन केस कोई मिस्टेक भी करते हैं तो आपके पास बैकअप मौजूद हो ताकि आप रिप्लेस कर सकें। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, आपको लाजमी डाउनलोड कर लेना है इसको ताकि आप कोई मिस्टेक ना कर सकें। अब आप व्यू पे जाएंगे, व्यू से ये होगा कि आपको इस फाइल के अंदर जो भी प्रोग्रामिंग कोडिंग है वो आपको सब यहाँ पे शो हो जाएगी कि अच्छा इसमें ये चीजें मौजूद हैं, राइट। लेकिन अगर आप इसको आप एडिट करते हैं तो आप इसके अंदर एडिटिंग भी कर सकेंगे कि आपको जैसे कोड वगैरह प्लेस करने हैं। तो अब जो ये कोड आपको मैंने दिखाया था अभी, ये डिस्प्ले ऐड वाला कोड था ये, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस वेबसाइट पर पेस्ट कर चुका हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ ये कोड कहाँ है। तो वो कोड देखें, आपको नजर आ रहा है यहां से शुरू है, स्क्रिप्ट से, स्क्रिप्ट की क्लोजिंग ओपनिंग है यहां से लेकर स्क्रिप्ट क्लोज, ये यहां तक पूरा कोड है हमारा वो वाला। तो यहां पे हमने इसको प्लेस कर दिया है, देन इसको सेव चेंजेस करेंगे तो आपका ये कोड पूरी वेबसाइट पे वर्क करेगा, यानी हमारी ये वेबसाइट के हेडर सेक्शन के अंदर कोड हो गया है। या आपको अगर स्कीमा मार्कअप पर कोई कोड प्लेस करना है तो वो भी आप इधर ही प्लेस करेंगे इसी फाइल के अंदर, और जो गूगल एडसेंस वाले आपको कोड देते हैं कि आप वेरीफाई करें अपनी वेबसाइट को, तो वो कोड भी आप इसी फाइल के अंदर प्लेस करेंगे। इनफैक्ट ये कि यहाँ पे आप जो भी कोड प्लेस करेंगे वो आपकी मेन वेबसाइट पे वर्क करेगा डायरेक्ट। जैसे मैं दिखाता हूँ, आपको नजर आ रहा है ये टॉप पर ये जो एड है हमारा, ये वो एड है जो कि अभी हमने कोड प्लेस किया था, जो हमारी वेबसाइट के पूरे वेबसाइट पे वर्क करेगा। जैसे दूसरा पेज ओपन किया होलसेलर का, तो इसमें भी इसने जो ना ये पूरा जो हमारा एड था वो डिस्प्ले करा, यानी पूरी वेबसाइट में हमारा ये कोड डिस्प्ले करेगा। इसी तरह से मैंने ये जो फूटर के अंदर भी एड लाया, फूटर में एड किस तरह से लगाएंगे वो भी आपको मैं आगे चल के बता दूंगा। ये तो हो गया सिंपल तरीका कि आप किस तरह से कोई भी कोड हेडर के अंदर अपनी वेबसाइट के पेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब कोड पेस्ट करते वक्त जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक साइन होते हैं कोडिंग के अंदर, ये ओपनिंग साइन और ये होता है इसके एंड में क्लोजिंग साइन, जो मैथमेटिक्स में ग्रेटर देन लेस देन के नाम से जिसको हम जानते हैं, तो कोडिंग में इसको ओपनिंग और क्लोजिंग साइंस कहते हैं। अब आपको जो भी कोड पेस्ट करना है ना, वो जहां पर ये क्लोजिंग साइन हो उसके बाद ही आपको पेस्ट करना है। अगर आपने इस साइन के यानी कि ओपनिंग साइन के बीच में कहीं आपने प्लेस कर दिया तो आपकी वेबसाइट की प्रोग्रामिंग जो है वो खराब भी हो सकती है और आपकी वेबसाइट सही तरीके से वर्क नहीं करेगी। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, जहां भी आपको कोड प्लेस करना है देखना है कि भाई इसका एंड कहाँ हो रहा है, एंडिंग साइन के बाद ही प्लेस करना है, राइट। एक तो ये हो गया ओपनिंग और एंडिंग साइन आपने देख लिया। अब एक चीज और होती है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है टाइटल के जैसे स्टार्ट में ओपनिंग है और टाइटल के फौरन बाद क्लोजिंग हो गई है, तो ऐसा साइन जब आपको इस तरह का वर्ड के साथ जो आपको दोनों तरफ साइन इस तरह से मिले, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे इसकी ओपनिंग हुई, यानी कि आपको इसके बीच में भी कोई कोड प्लेस नहीं करना। अब यहाँ से इस तरह से इसकी ओपनिंग हुई है, इसकी क्लोजिंग भी इसी तरह से होगी, यानी कि ये सेम टू सेम ये कोड होगा आखिर में, और बस बीच में इसका फर्क क्या होगा, वो होगा कि इसके बीच में स्लैश का साइन आएगा। स्लैश का साइन का मतलब ये होता है कि ये जो है आपकी यहाँ पे इस सेक्शन की क्लोजिंग है। तो आपने जब आपको इस तरह का साइन नजर आया, जैसे कि स्क्रिप्ट में आपको एक एग्जाम्पल दिखा दूं, और ये लिखा ना स्क्रिप्ट की ओपनिंग, देखें आप देख सकते हैं स्क्रिप्ट की ओपनिंग यहां से ऐसे हुई है। अब इसकी क्लोजिंग फिर हम कहां हुई पूरी, सॉरी स्क्रिप्ट की ओपनिंग देख सकते हैं आप यहां पे ऐसे हुई है इसकी, उसके बाद क्लोजिंग देखें कहां पे हो रही है, इस तरह के साइन से हो रही है, देख रहे स्लैश आ गया। अब जब ये आपको इस तरह का साइन मिल जाए उसके बाद ही फिर आप कोई कोड प्लेस करें, जैसे कि यहाँ पे फेसबुक पिक्सल कोड हमने जो लगाया तो वो भी इसी तरह से हमने लगाया है। अगर आप सेव चेंजेस करेंगे तो आपका ये मेन फाइल में ये कोड सेव हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा मेन हेडर के अंदर कोड प्लेस करने का प्रोसेस। अब हम आते हैं अपनी वेबसाइट पर। अब हम चाहते हैं, जैसे कि मैं अब दिखाता हूँ इस वेबसाइट के ऊपर, ये जो एक ब्लॉग का सेक्शन है, ये हमारा ब्लॉग सेक्शन है, ब्लॉग्स पे जाते हैं। अब हम चाह रहे हैं कि हमारा जो एड है वो हमारे इन ब्लॉग पोस्ट, जैसे कि ये होम टेक्सचर वगैरह है, इसके बीच में शो हो, जैसे कि ये पूरा आर्टिकल है हमारा। तो अगर हमें आर्टिकल के बीच में हमारा कोड ऐड यानी कि शो करवाना है तो अब हम ये कैसे करेंगे, तो मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखें पीएचपी लैरावेल बेस्ड वेबसाइट जो होती हैं, ये आपको या फिर आपको इस तरह की वेबसाइट जो होगी आपको एक पोर्टल बना के देता है डेवलपर, जिसके अंदर आप जैसे कि वर्डप्रेस में होता है ना, पोस्टिंग वगैरह कोई करते हैं आपने डायरेक्ट टेक्स्ट को वहां लगा दिया तो आपका आर्टिकल अपलोड हो जाता है। तो इसी तरह से इसमें भी है, मैं देखिए जैसे मैं डैशबोर्ड में जाके दिखाता हूँ आपको, डैशबोर्ड में जाएंगे ये देखिए पूरा ही पोर्टल नजर आ रहा है, यानी कि आपको जो भी होम पेज की आप मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन आपको जो ऐड करने हैं वो आप यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं, आपको कोडिंग की नीड नहीं होगी यहाँ पे, ऐसा होता है। अब यहाँ पे ये सेक्शन है, ब्लॉक का ऑप्शन है, ब्लॉक के बटन पे जाएंगे हम, ब्लॉक्स
अब ये पूरे हमारे ब्लॉग्स नजर आ रहे हैं जो हमारे इस पे पब्लिश्ड है। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे इसके किसी एक ब्लॉग के बीच में एड को शो करवाना है, तो जैसे कि मैं दिखाता हूँ ये हमारा होम टेक्सटाइल है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं इसको करूंगा यहाँ से एडिट, एडिट पे क्लिक करूंगा। अब देखें हमें पूरी डिटेल यहाँ पे शो कर दी, ये हमारा देखें वो टेक्स्ट है सारे, ये वो टेक्स्ट है हमारा जो कि हमारा पूरा ब्लॉग है। अब इस पोर्टल में आपको ये ऑप्शन मिलता है कि आप डायरेक्ट बस कॉपी पेस्ट करके अपना जो आर्टिकल कहीं वर्ड में लिखी है यहाँ पे पेस्ट करके वर्क कर सकते हैं, आपको कोडिंग वगैरह इसकी नहीं करनी होगी। लेकिन अब आपको एड प्लेस करना है तो आपको जाहिर सी बात है कोडिंग में जाना है। अब वो कोडिंग कहाँ मिलेगी आपको, यहाँ पे आपको देखें साइन नजर आ रहा है कोड व्यू का, इस पे चल क्लिक कर दें आप, तो आपको ये पूरी जो है जो हमारा टेक्स्ट आर्टिकल था उसकी पूरी कोडिंग नजर आ रही है, आपको इस तरह की कोडिंग है जो हमारा आर्टिकल के लिए हुई है। अब यहाँ पे आपको बीच में जहां पर भी एड लगाना है वो आप नोट कर लें। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से कोड दोबारा उसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से ये हमारा कोड है, हमें इसको ऐसा एड शो करना है, तो मैं इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी से, ये हमारा एड कॉपी हो गया। ये कॉपी कोड स्निपेट से भी कर सकते हैं आप लोग। अब मुझे जो कोड अब इस आर्टिकल के बीच में शो करना है, सॉरी एड जो है, अब यहां भी आपको वो चीज ध्यान में रखनी है कि क्लोजिंग साइन के बाद ही आप बीच में कोड लगाए, वरना आपके आर्टिकल की सेटिंग फिर आउट हो जाएगी। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख रहे हैं स्पैन के बाद इसकी यहाँ पे क्लोजिंग हो रही है, क्लोजिंग साइन देख रहे हैं बीच में स्लैश आ रहा है मतलब ये क्लोजिंग है। इसके बाद मैं इंटर करता हूँ बीच में और मैं कंट्रोल बी दबा दूंगा, तो ये हमारा देख सकते हैं ये पूरा कोड यहाँ पे आ गया है एडसेंस का, ये कोड है, क्लोज कर दिया यहां से इसको हमने। अब हम जाएंगे कोड व्यू में, सॉरी नॉर्मल व्यू में हम जाएंगे सिंपली, तो हमारा कोड नहीं सही वर्क, अगर आपका कोड सही प्लेस हुआ होगा तो आपको बीच में कोई डिस्टर्बेंस आर्टिकल के नजर नहीं आएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी बीच में ऐसी कोई सिलसिला नहीं नजर आ रहा है। अब इसी तरह हम लोग किसी और आर्टिकल पर भी एड लगाते हैं न्यू, तो हमें पूरा आर्टिकल नजर आ रहा है, जैसे कि हम इसके बीच में कहीं एड लगाना चाहते हैं तो आप सिंपली वही कोड व्यू में जाएंगे। और एक चीज आपने और ध्यान में रखनी है कि जब आप कोई भी एड लगाएं तो आपको हेडिंग के फौरन बाद नहीं लगाना है, आपको बीच में पैराग्राफ के बाद ही बीच में एडजस्ट करना है, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। राइट, जैसे कि मैं लगाता हूँ इसके बीच में कहीं जैसे कि यहां पर इसका एंड है, ठीक है इसका एंड है यहां पर, अब मैं इसके एंटर करके नीचे आऊंगा और कंट्रोल भी कर दूंगा, तो हमारा एक कोड लग गया है, अब मैं इसको कर दूंगा यहां से अपडेट। तो इस तरह से आपको अपने जिस भी आर्टिकल में लगाना होगा तो आप ऐसे बीच में अपने हिसाब से एडजस्ट करके उस कोड को पेस्ट करेंगे तो आपका आर्टिकल इसमें इस तरह से ऐड कुछ टाइम बाद शो हो जाएगा। तो ये तरीका है अपने आप ब्लॉग में कि आर्टिकल के बीच में किस तरह से एड्स प्लेस कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम फुटर में ऐड किस तरह से लगाएंगे, जैसा कि मैंने इस वेबसाइट में लगाया था, आपको मैंने बताया भी था, ये देखें ये हमारा फुटर में ऐड लगा है। राइट, सी पैनल में फाइल मैनेजर में जाएंगे हम, वही अपना पब्लिक एचटीएमएल, अब देखें यहाँ पर जो है आपको नजर आएगा लेआउट का फोल्डर, लेआउट्स का फोल्डर इसमें जाएंगे हम। अब यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है फ्रंट एंड हेडर है, फ्रंट एंड फूटर डॉट ब्लॉग डॉट पीएचपी। अब ये जो फोल्डर ये जो फाइल है दिखा देता हूँ, ये हमारे फूटर की है। अब इसमें हम जो कोड प्लेस करेंगे वो हमारे फूटर में शो होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा ना एड वन स्क्रिप्ट से लेकर ये पूरा यहाँ एंड यहाँ स्क्रिप्ट की जो क्लोजिंग हो रही है यहाँ तक, ये यह पूरा हमारा वो एड जो कि हमारी पूरी वेबसाइट के फूटर में शो हो रहा है। तो यहाँ आपको फूटर का जो फोल्डर है, आपको फूटर की यानी कि जो आपको जो चीजें फूटर में शो करवानी है उसकी प्रोग्रामिंग आपको इस तरह के फोल्डर में मिलेगी, जैसे कि सॉरी फाइल में मिलेगी जैसे कि फ्रंट एंड फूटर डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। इस तरह से आपको यहाँ पे हेडर की भी मिल रही है और साइड बार की भी मिलती है, इस तरह से आपको एसईओ जो हमारा पोर्टल है उसकी भी आपको यहाँ पे फाइल्स मिल रही है। तो ये तरीका है आपका सिंपली फूटर के अंदर एड्स को प्लेस करने का। अब हम कैटेगरीज जैसे कि ये वेबसाइट है इसकी कैटेगरीज में हम लगाना चाहते हैं, जैसे ये कैटेगरीज सब चीजें इसके बीच में हम ऐड लगाना चाहते हैं, अभी आपको होलसेलर इस तरह की जैसे कि ये पूरी सब मेन्यूज के अंदर ऐड लगाना चाहते हैं तो वो आपको इसकी ही फाइल्स में जाना होगा प्रोग्रामिंग की, जैसे कि यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ अपने करते हैं इसको, देखा ना एड लिस्टिंग डॉट बेड डॉट पी एच पी एड लिस्टिंग न्यू, ये सब चीजें ब्लॉग एड डिटेल्स ये सब हैं इनकी प्रोग्रामिंग। जैसे कि मैं addListingNew.Blade.php पे मैं जाता हूँ, इसको एडिट करता हूँ यहाँ से, मैं कोड सेलेक्ट करता हूँ अपना
दूसरा जैसे कि है वर्टिकल एड, हमें ऐसा ऐड चाहिए, सेलेक्ट कर लेंगे इसको रिस्पॉन्सिव करके, तो क्रिएट कर देंगे कोड आगे, हम इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अब हम जाएंगे दोबारा इसी फोल्डर में अपने एड लिस्टिंग वाले, देखें सॉरी फाइल में, एड लिस्टिंग में जाता हूँ, मैं इसको एडिट करता हूँ इसे। अब आपको करना ये है कि हमें यहाँ क्लोजिंग देखनी है, राइट? तो मैं इसकी क्लोजिंग देखता हूँ, डिव की क्लोजिंग यहाँ पर हो रही है, ठीक है। इसके बाद मैं इसको इंटर करके यहाँ पे इस कोड को प्लेस कर दूंगा, ये हमारा कोड यहाँ पर आ गया, स्क्रिप्ट से पूरा ये, ठीक है। इसके बाद मैं इसको सेव चेंजेस कर दूंगा। अब कुछ टाइम बाद जो है ना एडसेंस की तरफ से एड्स यहाँ वहाँ पर कैटेगरीज में शो होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह से आप लोग जहाँ पर भी कोड प्लेस करना चाहें उसकी कोडिंग के हिसाब से और क्लोजिंग साइन के बाद प्लेस कर सकते हैं, सिंपल तरीका है। चाहे आप HTML बेस्ड वेबसाइट पर वर्क कर रहे हैं तब भी आपको ऐसे क्लोजिंग साइन के बाद ही प्लेसमेंट करनी होगी, या फिर आप ऐसे PHP लारावेल बेस्ड पे कर रहे हैं तब भी आपको इसी तरह से करना होगा। अब चलते हैं उस गुड न्यूज़ की तरफ जो कि मैंने बताया था कि उन फ्रीलांसर्स के लिए जो कि डिजिटल डिजाइनिंग, टेक्सटाइल डिजाइनिंग से रिलेटेड सर्विसेज ऑफर करते हैं। तो हम इसी वेबसाइट जो कि आपको नजर आ रही है textilemarket.com, ये वेबसाइट है, यहाँ पे अपने आप एडवर्टीजमेंट भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी जाता हूँ यहाँ पे सेल सर्विसेज के ऑप्शन में, सेल सर्विसेज में ये होगा कि आप यहाँ पर अपनी सर्विसेज जो जैसे कि आप डिजाइनिंग ऑफर कर रहे हैं, जो भी आप ऑफर कर रहे हैं यहाँ पे, आप अपनी प्रोफाइल ऐसी प्रोफाइल यहाँ पे बना सकते हैं जिसके थ्रू आपको यहाँ से क्लाइंट्स भी मिलेंगे। आपको सिंपल इसको ज्वाइन करना है पोस्ट एंड ऐड करके, इसी कैटेगरी के अंदर सेल सर्विस में जाके अपने आप ऐड को लगा देंगे, जैसे यहाँ पे लगा हुआ भी है, आपको नजर आ रहा है प्रिंटिंग और डिजाइनिंग के काम की महारत। इसी तरह से आप जो भी सर्विस दे रहे होंगे आपको यहाँ पे ऐड प्लेस करेंगे तो आपके चांसेस ज्यादा है कि आपको यहाँ से पोटेंशियल क्लाइंट्स मिले। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक लाजमी से कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी से करके रखिए, ताकि आप लोग मेरी इन तरह तो ताकि आप लोग मेरी इस तरह की वीडियोस मिस ना कर सकें, और फ्यूचर में बहुत इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आपको मिलने वाली है। तो स्टे कनेक्टेड विद अस, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।